हेलो दोस्तों, ये वीवो का Y71 मॉडल है। ये अभी डेड कंडीशन में है। ये देखिए, चार्जिंग पे मैंने लगाया पर ये ऑन नहीं होता है और चार्ज भी नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे हम क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, बैटरी निकाल के एक बार लगाया मैंने, फिर भी ये ऑन नहीं होता है चार्जिंग पे। और एक बार और ऑन करके देख लेते हैं कि क्या ऑन होता है। ये चार्जिंग का जम्पर भी किया हुआ है। तो पहले देखिए, मैं बैटरी के वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बैटरी में कितने वोल्टेजेस है, देख लीजिएगा। 4.2 वोल्टेज, जो कि बैटरी के एकदम हाईस्ट वोल्टेज है, जो कि बैटरी 100% चार्ज होने पर उतने वोल्टेज रहते हैं उसमें। अब देखिए, हम थोड़ी यहाँ पे ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ऑन नहीं हो रहा है। अब आपको क्या चेक करना है, बैटरी के वोल्टेज एक बार आपने चेक कर लिए। अगर बैटरी के वोल्टेज बराबर नहीं रहते तो आपको बैटरी चेंज करके देख लेनी है, नहीं तो चार्ज करना है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस वाला पॉइंट, ये यहाँ पे देखिए ये बीप कर रहा है, प्लस वाला पॉइंट। यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए फॉरवर्ड वायर्स में 600 के करीब, और ये नेगेटिव पर भी रीडिंग आती है, सॉरी बीप आती है। तो चलिए एक बार मदरबोर्ड को मोबाइल से अलग करके अलग करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना है। यहाँ पे देखिए मैं बोर्ड को अलग कर ले रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो को आपको पसंद आते तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हमें इसके वीबैट लाइन पे शॉर्टिंग मिली है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी वीबैट लाइन कहाँ कहाँ पे जाती है। तो मैंने सिमेटिक्स में तो देख चुका हूँ मैं इसकी वीबैट लाइन कहाँ कहाँ पे जाती है। मैं थोड़ा पीसीबी को जूम कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये नीचे वाली छोटी, ये वीबैट का कनेक्शन डायरेक्टली ये नीचे वाली जो प्लेट है उसमें, एक दो डायोड और कुछ कैपेसिटर है वीबैट से निकल कर, सबसे पहले उन कैपेसिटर पर वीबैट के वोल्टेज आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो वाइट कलर का रजिस्टर दिख रहा है ये सीरीज में लगा हुआ है, और उसके जो आजू बाजू डायोड और कैपेसिटर दिख रहे हैं वो फिल्टरेशन के लिए पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, रोजिन लगा के देख लेंगे कि इसमें कोई शॉर्ट, यहाँ पे कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या नहीं। नहीं हुआ, नहीं अगर शॉर्ट नहीं है तो हम कहीं और देख लेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे शॉर्टिंग है या नहीं, ये वाकई ही बैटरी कनेक्टर के कंपोनेंट है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ शॉर्ट मिल रही है कैपेसिटर के, मतलब ये बैटरी कनेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे रोजिन लगाते हैं और इसे डीसी पावर सप्लाई पे 5 एम्पियर और 4 वोल्ट देके देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट मेल्ट होता है या जलता है या नहीं। अगर नहीं जलता है तो हम दूसरी, इसके बाद जो अगली जगह है उस जगह पे देख लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा पीसीबी को जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रोजिन लगाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना है। यहाँ पे देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो वाइट कलर का रजिस्टर है नीचे, उसके आजू बाजू दो चार कंपोनेंट हैं, उसमें से कोई एक शॉर्टिंग होगा तो ये शॉर्टिंग हमें जल्दी ही मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, मैं रोजिन पे को लगा रहा हूँ,
वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी है। चलिए अब मैंने डीसी पावर सप्लाई पर 5 एम्पियर और 4 वोल्ट सेलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे हम वो वोल्टेजेस देख के देख लेते हैं एक बार क्या होता है क्या नहीं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मैं किसी एक कंप्यूटर पर रखता हूँ और एक को ग्राउंड कर दिया है। डीसी पावर सप्लाई कर आपको जहाँ वोल्टेज दे रहे हैं उस सेक्शन का वोल्टेज कितना है ये जानकर ही आपको वोल्टेजेस देने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। बैटरी कनेक्ट पर वोल्टेज आप 3.7 से लेकर 4.2 तक दे सकते हो। यहाँ पे देखिए कोई भी कंपोनेंट मेल्ट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है और बोर्ड हीट भी नहीं होता है इस कंडीशन में ज़्यादा। कोई छोटा अगर कंपोनेंट शॉर्ट हो तो बोर्ड हीट भी नहीं होगा। चलिए अब दूसरी जगह तो मैं ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पे तो हमें शॉर्टिंग नहीं मिली। शॉर्टिंग मिल ही जाएगी दोस्तों, क्योंकि शॉर्टिंग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो दूसरे हैं, उन्हें भी आप एक बार विजिट कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें कैसे वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, अभी आपको दूसरी जगह बता देता हूँ। यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टर के बाजू में एक सेक्शन दिख रहा है, उस सेक्शन में भी बैटरी कनेक्टर की सप्लाई जाती है, तो वायर लो रोजिन लगा के एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। ये देखिए मैं रोजिन लगा रहा हूँ और यहाँ पे जो एकदम ऊपर वाला कैपेसिटर दिख रहा है उस पर वोल्टेजेस देख के देख लेते हैं कि क्या सही में मेल्ट होता है या नहीं। अगर मेल्ट हो जाएगा तो मालूम चल जाता है। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे देखिए कोई भी मेल्ट नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए कोई भी मेल्ट नहीं हुआ, मैं इसका मतलब यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हमारी तीसरी जो जगह है वो RFIC है, क्योंकि RFIC को भी RFPA होता है एम्पलीफायर, सॉरी PA, तो उस पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो कोई मेल्ट नहीं हुआ, ज़्यादातर देर तक मैंने रखा तब भी कोई मेल्ट नहीं हुआ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए यहाँ पे कोई बोर्ड हीट भी नहीं कर रहा कोई कंपोनेंट। मैं थोड़ी देर तक और रखता हूँ तो यहाँ पर कोई मेल्ट तो नहीं हो रहा है। अगर PCB हीट होती तो तब भी मालूम चल जाता कि कहाँ पे शॉर्टिंग है, मगर PCB भी हीट नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ही आराम से काम करना पड़ता है, आपको जल्दबाजी ज़रूर नहीं करनी है। अब चलिए थोड़ा RFIC के बाजू में देख लेते हैं, वहाँ की थोड़ी यहाँ पे थोड़ा काटना पड़ेगा शील्ड को। शील्ड को काटने के बाद पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। आपको शील्ड को काटने के टाइम नीचे ध्यान रखना है कि कोई कंपोनेंट मिस ना हो जाए, और इसके लिए आपको जो ख़राब बोर्ड रहते हैं उन पर प्रैक्टिस करनी है। नीचे की प्रिंट भी नहीं उखड़नी चाहिए, एकदम आराम से निकालना है और ज़्यादा खींचना नहीं है, बोर्ड को टेढ़ा भी होने नहीं देना है। तो यहाँ पे रोजिन लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें शॉर्टिंग यहाँ पे मिलती है या नहीं। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग मिल जाती है तो हमारे लिए अच्छा रह जाएगा, नहीं तो हमें बड़ी वाली शील्ड निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए जो नीचे छोटे छोटे 3-4 कैपेसिटर दिख रहे हैं वही VBAT की कैपेसिटर, वह VBAT की लाइन आती है, तो वह एक बार होल्ड में यहाँ पे वोल्टेज देख लेता हूँ वह कोई मेल्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पे तो कोई मेल्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होगी। अब एक ही जगह बचती है कि PMI जो IC होती है उसमें डायरेक्टली ये वोल्टेजेस जाते हैं VBAT के, तो एक बार PMI IC को भी हम देखेंगे। PMI IC में
कोई शॉर्टिंग है या कि मैं पीएम आया ऐसे के आजू बाजू मिल जाती है, तो इस बड़ी वाली शील्ड को काटते टाइम आपको बहुत ही ध्यान रखना है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मैं एकदम आराम से निकल रहा हूँ, तो आप भी आराम से निकालिएगा। देखिए ऐसे एक खंधे बार हो जाता है, तो थोड़ा आराम से निकालिए और ध्यान रखिए कि नीचे की प्रिंट ना टूटे। आप जब डायरेक्टली ऊपर की तरफ खींचते हो तो प्रिंट उखड़ जाती है, आपको क्या करना है ज़रा भी खींचना नहीं है, नहीं तो प्रिंट उखड़ जाती है। अब देखिए ये शील्ड उतर चुकी है, अब ये लास्ट हमारा जगह है, यहाँ पे शॉर्टिंग 100% मिल जाएगी। एक तो पीएमआई आईसी में शॉर्टिंग होगी, नहीं तो यह इस जगह पे कई और शॉर्टिंग होगी, पर यही शॉर्टिंग मिलेगी ये, क्योंकि हमने जितनी भी इसके पहले जगह थी वो सब देख लिए। अब चलिए यहाँ पे मैं रोजिन लगा देता हूँ। अब देखिए पीएमआई आईसी पर और आजू बाजू मैंने रोजिन लगा दिया है। अब यहाँ कोई भी शॉर्टिंग होगी तो 100% मिलनी ही मिलनी है, अगर नहीं मिली तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, सच में कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए एक मेल्ट हो गया है कैपेसिटर। एक बार और रोजिन लगा के आपको दिखा देता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर मेल्ट हो चुका है और ये हीटिंग नहीं होता है, होगा कोई कोई कंपोनेंट हीट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ी रोजिन और लगा लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो छोटा कैपेसिटर है वहाँ पे शॉर्टिंग मिल गई है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये देखिए ये मेल्ट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना है। अब हम देखेंगे इस कैपेसिटर को एक बार, आपको क्या करना है तोड़ना है और तोड़ के देख लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने कैपेसिटर को तोड़ दिया है, तो अब या एक बार यहाँ पे शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग है या नहीं। यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए 300 से 600 तक, तो देखिए रीडिंग आ रही है नहीं। ये देखिए 330 की रीडिंग अभी आ चुकी है, फॉरवर्ड बायस में 1000 से ऊपर आनी चाहिए, नहीं तो नहीं आनी चाहिए। देखिए 1000 आके चली गई है। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखेंगे कि बैटरी तो फुल है हमारी, अगर ऑन हो जाता है नहीं देखेंगे, ऑन हो जाता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये शॉर्टिंग हटती है नहीं, हट जाती है तो आपको शॉर्टिंग हट चुकी है, मगर मोबाइल ऑन होता है कि नहीं ये देख लेंगे। देखिए ऑन कर रहा हूँ, क्या अब देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है। चलिए पूरा ऑन होता है या नहीं देख लेंगे, अगर पूरा ऑन हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। यहाँ पे देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है, ऑन तो हो जाएगा 100%, क्योंकि इसमें जो शॉर्टिंग थी हमने वो कंपोनेंट को निकाल दिया है। और है ना अंदर, तो ये देखिए ऑन हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए मोबाइल अभी पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है।